कहे कि भगवान नहीं है भजन है। घर वाले आएंगे तो चलोगे ना? चलो चलो फिर आज घर जाना घर जाना चाहती हूँ। दिल कर रहा है घर जाने को? हाँ हाँ, कहा जाए घर में कौन कौन है? फिर दीदी जिंदा नहीं मैं कब फिर यही पे? नहीं नहीं फिर मत आना, अपने घर में रहना, अच्छे से रहना घर में। फिर पता नहीं को आओ आए नहीं बहू के साथ जाओगे? हाँ 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 बहू के लगे क्या हुआ है? बहू किस लगे इनको भी बाय कर दो सबको। सबको बाय कर दो, सबको बाय बाय कर दूंगा उनको सबको बोल दो। तू भी जल्दी जल्दी घर जाना। हाँ उसको भी कहने जल्दी जल्दी घर जाना। ना ना मैं घर जाना है, इनके घर बाद में जाओ। मैं अपने घर जाना, इनके घर बाद में जाएंगे। जदों जिंदगी दे विच हालात अणसुखावे बन जाण तां बहुत सारे साडे साथी जिहड़े हैगे कई बार परेशानियां दे विच ऐसा घिर जांदे आ या कई बार मन दा संतुलन खो बैठदे आ, बेबस लाचार हो जांदे आ, या फिर जिंदगी दे विच उम्र दा कुछ ऐसा फैक्टर हुंदा है जिहदे विच बंदा कई बार घर दे रस्ते भुल जांदा है ते फिर उस वेले ओह इह सोच के तुरदा रहिंदा कि अपने घर नूं जा रिहा ते रस्ते विच कई बार ओह हत्थ दी गर्मी सर्दी हनेरियां झखणा
कि पीड़ा झलदा झलदा कई बार एक्सीडेंटा का शिकार हो जाता तो उस वे इकला हों कौन हॉस्पिटल शिफ्ट करे तो कौन उसकी जिम्मेवारी लवे तो बहुत बड़ा सवाल हों जिस पीड़ा होर भी बढ़ जाती है तो उसको अपने घर की याद भी आ रही होंगी है पर उसको अपना घर क्लीयरली याद भी नहीं होंगे तो ऐसी पीड़ा ही ये चल रही थी। साडे सत्कारयोग माता जी राम रती जी इन्हां नाल भी ऐसी घटना हुई छोटे बच्चे को वड्डे बच्चे को जा रहे थे घर का रास्ता भुल गए कोई रास्ते एक्सीडेंट हो गया चाहे कोई हॉस्पिटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल 32 सैक्टर 32 दे विच लै गया तो उत्थे उन्होंने जो जो कुछ करना सी करके उस तो बाद सवाल ये पैदा हो रहा है हुण माता जी नूं रिहैबिलिटेशन वास्ते कोई सेंटर चाहिए तो उन्होंने फिर केयर ते ट्रीटमेंट ते रिहैबिलिटेशन दे लई प्रभ आसरा संस्था दे विच लगभग 1.5 साल पहले इतने भेज दिता तो उस तो बाद इतने जिहड़ा भी स्टाफ हैगा डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ जिन्हें साइकोलॉजिस्ट बड़ी उन्होंने सारे ने कोशिश की तो माता जी का घर दुबारे फिर लभ गया तो अज इन्हों का परिवार इन्होंने लैण वास्ते आया तो मतलब किसी भी जी मानसिक पीड़ा है जिस वे घरद तो विछड़िया हों जो भी हूँ माता जी मिलते मैं सवेरे भी मिले अज तो उस वे बस इन्हों याद आ रही थी मैं किस तरह मेरे घर वाले दुबारे मिल सकते हैं पर अज परमात्मा की कृपा नाल तुहाडे सारयां दे सहयोग दे नाल ते समुची टीम दी एफर्ट्स दे नाल अज माता जी अपने परिवार दे विच जा रहे हैं अज परिवार में जा रहे हैं तो बहुत खुश है और माता जी कहती मेरा दुबारे जिंदगी रही तो मैं दुबारे फिर प्रभ आसरा संस्था च मिलने आऊंगी मतलब इनका परिवार ये भी परिवार इनको फील हो रहा है तो इस करके साडे ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग हैं साडे बहुत सारे समाजिक परिवार के मैंबर हैं जिन्होंने इस तरह की कह लो भी लोड़ की घड़ी के बीच हेल्प होनी बहुत जरूरी है। सरकार को भी मेरी बेनती है कि वो जिस तरीके बुजुर्गों के लिए बच्चों के लिए या ऐसे नागरिक जिहड़े कि डिप्रैशन के चले जाते हैं घर के रास्ते भुल जाते हैं कोई हैल्पलाइन बनावे तो जो एक ऐसा बोर्ड बनावे जिस दे नाल मतलब तुरंत इन्हों हेल्प मिल सके तो दुबारे फिर आदर सत्कार अपने परिवारों के जाके अपने आदर सत्कार जिंदगी जी सकन। वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतह। इस वेले माता जी का मन की हालत इदां दी है कि इस परिवार को छड्डण भी दिल नहीं करता अते दूजे परिवार में भी जाना भी जरूरी हो रहा तो ये तुम समझ सकते हैं कि कुदरती गल है भी जिथे रहने उत्थे प्यार पै जाता है। मैं फिर यही बेनती करता भी जिथे भी अपने परिवार के मैंबर ऐसे किसी वेली लोड़ की घड़ी उन्होंने हैल्प की जिस वे भी जरूरत होगी उन्होंने हैल्प अपन रल मिल के जरूर करनी चाहिए। सरकार को पॉलिसी बनानी चाहिए है स्ट्रैटी बनानी चाहिए है तो जो नागरिक की दुबारे हैल्प हो सके। तो हूँ सवाल है कि मैं इस परिवार को छड़ के भी जाना है दिल भी नहीं करता और दूसरे परिवार में भी जाना है अपने परिवार में भी जाना बच्चों के पास ठीक है। चलो भगवान आपको शक्ति बख्शे। ठीक है तो इनको ठीक है ना ठीक है सर।